नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर भव्यदीप भाटिया और आज हम बात करने जा रहे हैं सक्सेस की। वैसे तो दोस्तों, हर एक व्यक्ति की सक्सेस की डेफिनेशन खुद की ही होती है। आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आपने क्या सोच रखा है और आपने लाइफ में क्या अचीव करना है, ये आपका अपना मानना होता है। और आपकी जो सक्सेस होती है, आपकी यानी कि कामयाबी होती है, वो उसी पर निर्धारित होती है। कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई सेट इसका कोई ऐसा नियम कानून नहीं है, परंतु फिर भी कुछ ऐसे नियम है जो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि सक्सेस एक सेटिस्फेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अचीव करने में आपको काफी मदद मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहला नियम मैं आज आपको एक छोटी सी स्टोरी से शेयर करूंगा। यहाँ पर देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ पर आपसे लाइव स्टोरी डिस्कस कर रहा हूँ। और लाइव स्टोरी से मेरा मतलब है कि मैं अपने खुद के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जब मैं एक छोटा सा बच्चा हुआ करता था। और ये इंस्पिरेशन जो है मुझे मेरे फादर ने दी। उस समय हुआ क्या कि एक बार सेकंड क्लास के अंदर था, मैं छोटा था, तो मैं काफी नोटोरियस था, शरारती होने के साथ साथ लापरवाह था, पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था। और कई कुदरती आप ये कह लीजिए कि उस साल मैं बीमार भी हो गया, और किसी भी कारण से आप ये मान लीजिए कि सेकंड क्लास के अंदर मैं फेल हो गया। तो मैं सेकंड क्लास के अंदर जब फेल हुआ तो उसके अलग अलग रिएक्शंस थे। मेरे को थोड़ी सी घर से मार भी पड़ी, फटकार भी पड़ी, हमारे जो मदर थे वो भी काफी नाराज हुए। तो इस तरह की चीजें, घर के रिएक्शंस जो जब मिले घर वालों के, तो मैं काफी अपसेट भी हो गया। परंतु हुआ क्या कि मेरे फादर ने मुझे उस समय एक बात बोली कि इस बार जो हो गया सो हो गया, अगले बार इट शुड नॉट बी रिपीटेड, और अब आप आगे बढ़ो लाइफ में। तो मैं उनका जो वो वाक्य था कि चल अगले साल अब अच्छे से करना, एक इतनी सी बात बोलना, एक मेरे दिमाग से एक कहते ना एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। और आज की डेट में रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर, क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर, एज वेल एज पीएचडी मैंने अपना मैनेजमेंट में कंप्लीट किया हुआ है। तो आज ये वही भव्यदीप भाटिया आपके सामने है जो कि सेकंड क्लास में फेल हो गया था। परंतु अगर मैं यही चीज उस समय मैं सोच लेता और ये मान लेता कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, तो आप क्या मानते हैं ये इतना आसान होता? और इसी तरह से मेरे से एक बार फिर से दसवीं क्लास में मुझे एक झटका लगा, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर मैं बहुत वीक था। परंतु फिर से मेहनत करी तो सक्सेस मिली, कामयाबी मिली और आगे निकल गया। हमने अभी आज मास्टर्स भी अपना कंप्लीट कर रखा है। तो दोस्तों, लाइफ में यह चीज सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको अपने ऊपर दिमाग के अंदर स्ट्रेस नहीं। जो पास्ट है वो पास्ट है, जो हो गया सो हो गया। तो एक और छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूँ। एक बार दो बौद्ध भिक्षु नदी क्रॉस कर रहे थे, रास्ते से जा रहे थे कहीं। तो एक लेडी वहां से, वो भी कुदरती वहां से निकल रही थी, उसने बोला रिक्वेस्ट करी, भाई मेरे को भी नदी क्रॉस करवा दो, मैं अकेली हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ, काफी देर से प्रयासरत हूँ पर नहीं कर पा रही हूँ। तो दो भिक्षु थे, दोनों में से एक भिक्षु सीनियर था, एक जूनियर था। तो उसने थोड़ा मेच्योरिटी दिखाते हुए उसने बोला कि ठीक है, एक ऐसा करते हैं मैं आपको नदी क्रॉस करवा देता हूँ। उसने उसको कंधे पे उठाया और कंधे पे उठा के नदी क्रॉस करवाया और उसने उसको धन्यवाद किया और वो लेडी आगे चली गई अपना। परंतु ये सारा इंसिडेंस जो था वो दूसरा भिक्षु देख रहा था। उन्होंने कहा कि आपने ये नियम तोड़ दिया मटका, और आपने तो ये बहुत बड़ा एक तरह से अपराध कर दिया, और यार आपने इस तरह से अब तक स्त्री को उठा रखा, मतलब ये तो बिल्कुल ही गलत हुआ आपने जो किया। उसने कहा मैंने कहा स्त्री को उठा रखा, मैंने तो उसमें उतार दिया, स्त्री को तो दिमाग में अब तुमने उठा रखा अभी तक। तो दिमाग में, आई मीन टू से मेंटल, एवरीथिंग इज मेंटल, योर मेंटल फ्रेम शुड बी पॉजिटिव। आप जितने लाइफ के अंदर आप पॉजिटिव रहेंगे, उतना ही आपको मैं कह सकता हूं कि आपकी कामयाबी आपके पास रहेगी, आपका कंट्रोल आपके पास रहेगा ब्रेन का। तो दोस्तों, अपने पास्ट के इंसिडेंसेस को अपने ऊपर भारी ना होने दें, स्ट्रेस ना रखें। इवन तक आप छोटा सा एग्जांपल और देता हूं आपको, अगर आपकी गाड़ी है, उस गाड़ी के अंदर भी अगर आप ओवरलोडिंग कर देंगे तो क्या होगा? नेचुरली उसकी एवरेज कम हो जाएगी, टायर दब जाएंगे और कहीं ना कहीं उसको चलने में तकलीफ होगी। तो लगभग वही स्थिति हमारे दिमाग की है दोस्त। हमारा दिमाग इस तरह का एक उपकरण है, इस तरह का एक डिवाइस है, यंत्र है। अगर हम इसके अंदर ज्यादा स्टोरेज रखते हैं, वो भी नेगेटिव इवेंट्स की, तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। स्ट्रेस फ्री रहो, कामयाबी आपके साथ रहेगी, दिस इज फॉर श्योर। उसके बाद आपको एक चीज और बताता हूँ, एक और गोल्डन की आपसे शेयर करूंगा। कंसिस्टेंट रहो, आपने जो भी प्लान अपना सोचा है, आपने जो भी करना है उसको लगातार करते रहो। हो सकता है किसी दिन आपको ज्यादा कामयाब मिले, हो सकता है किसी दिन कम मिले, हो सकता है किसी दिन ना मिले, परंतु दोस्तों उससे घबराना नहीं है। कंसिस्टेंट रहना है, लगे रहना है, प्रयासरत रहना है, यानी कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बिहाइंड द टास्क, आपको उसके पीछे पड़ के उसको खत्म करना है। तो
तो दैट विल ऑलवेज हेल्प यू। और आप देखेंगे कि अगर आप कंसिस्टेंट है तो आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा और आप जो टास्क को जल्द से जल्द आप कहीं ना कहीं खत्म भी कर पाएंगे और वो भी सक्सेसफुली। सो दिस इज कॉल्ड सक्सेस। अगेन छोटी छोटी चीजों में सक्सेस है अगर आप देखेंगे, और छोटी छोटी चीजों में ही स्ट्रेस है। तो दोस्तों स्ट्रेस से खुद को बचाते हुए एक स्पीड ब्रेकर है स्ट्रेस, और कुछ नहीं है। जो कि आपके मेंटल फ्रेम को अगर डिस्टर्ब कर देता है तो आप संतुलन खो देते हैं, जिसके कारण आप जो है अपनी कामयाबी से दूर हो जाते हैं। सक्सेस मैंने आपको जैसे कि बताया, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती, ये आपका खुद का एक मेंटल फ्रेम होता है, आपकी खुद की इनर सेटिस्फेक्शन होती है। तो दोस्तों उसी हिसाब से काम कीजिए और अपने दिमाग को बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रखिए। जितना आप स्ट्रेस रखेंगे दिमाग के अंदर, उतना ही आप परेशान रहेंगे, उतना ही आप काम जो है अच्छे से नहीं कर पाएंगे, आपकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों दो नियम मैंने आपको बताए, कंसिस्टेंट रहना है, मेंटल फ्रेम को पॉजिटिव रखना है। और अब मैं आपको तीसरा नियम और बताता हूँ कि मान लीजिए आप कहते हैं कि टास्क आपका बहुत बड़ा है, या आप कह लीजिए कि सिलेबस किसी प्रकार से बहुत बड़ा है, कोई बच्चे पढ़ते भी हैं लाइफ में, तो और भी कोई आप लाइफ में कोई बड़ा कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, तो कई बार हम देखते हैं कि चैलेंज छोटा नहीं होता। परंतु अगर आपका ये मानना है कि आप अपनी सोच को उस चैलेंज के हिसाब से बढ़ा देंगे तो वो चैलेंज अपने आप छोटा हो जाए। अब सपोज कीजिए कि मैं आपको बोलूं कि आप कहेंगे कि जी एक्टर बनना आसान नहीं है, बॉम्बे जाना आसान, जाके वहां पे जाके स्ट्रगल करना बड़ा मुश्किल बात है। देखिए दुनिया कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है, पर अगेन संयम चाहिए, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। बॉम्बे जाना तो बॉम्बे जाके वहां पर आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, वहां पर आपको जाके लगातार ऑफिस के अंदर धक्के खाने पड़ेंगे, प्रोड्यूसर्स के ऑफिस में जाना पड़ेगा, काम मांगना पड़ेगा। तो सोचिए, आप जब तक सोचेंगे नहीं तब तक आपका टास्क आपके ऊपर हावी रहेगा। और जैसे ही आपने ये सोच लिया कि मैंने इस टास्क को कैसे फटाफट से खत्म करना है, तो आप हावी हो जाएंगे, आपकी सोच हावी हो जाएगी और आपका कर्म जो है, आपका जो एक्शन है उसके ऊपर बढ़ जाएगा। उसको बढ़ाइए, सिंपल है। जैसे ही आपका एक्शन बढ़ेगा आप देखेंगे, आप पाएंगे अचानक से वो काम जो है छोटा होता जा रहा है, वो दैट इज यू नो नथिंग। बॉम्बे जाना क्या बड़ी बात है, सारी दुनिया जा रही है, बॉम्बे में रह रही है, स्ट्रगल कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया है, लोग कहाँ कहाँ पहुंचे हैं, क्या क्या उन्होंने अचीव किया है, वो जैसे कि मैंने आपको बताया हर एक का अपना एक थॉट प्रोसेस होता है। तो दोस्तों तीन नियम मैंने अभी तक आपसे शेयर किए हैं, अपने थॉट प्रोसेस को, अपनी सोच को, अपने टास्क को आपने कह लीजिए कि सिंक्रोनाइज कर देना अपने दिमाग के साथ, ताकि आपका जो दिमाग है वो एक्शन ले सके और अपने दिमाग को आप एक्शन में रखें। तो ये दोस्तों कुछ नियम है जो मैंने आपसे भी डिस्कस करे सक्सेस से रिलेटेड, दीज आर थ्री और फोर गोल्डन कीज आई कैन से। रेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रीड पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, स्पीक पॉजिटिव, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मूलभूत नियम है जीवन का। अगर इसको फॉलो करते हैं तो आप पाएंगे कहीं ना कहीं आपकी कामयाबी आपके साथ हमेशा रहेगी, आपको कोई नहीं रोक सकता, आप हमेशा कामयाब किसी भी काम को लेके होंगे और अपना काम जो है अचीव करेंगे सक्सेसफुली। तो दोस्तों ये था आज सक्सेस को लेके मेरा छोटा सा डिस्कशन आपके साथ। आगे भी आपसे मिलता रहूंगा, आपको इसी तरह के वीडियोस देता रहूंगा, जिससे मैं उम्मीद करता हूं कि कहीं ना कहीं अगर हो सके तो मैं जितना कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूं पॉजिटिवली आपकी जिंदगी के अंदर, उतना मेरा प्रयास रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।